Today's lecture we'll learn about the other United Nations agencies, that is international health agencies, out of which the first international agency which is important one, which is UNICEF. तो आज हम UNICEF और other health agencies जो है United Nations की important वो देखेंगे. International health agencies में कुछ एजेंसीज है जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर आती है और कुछ एजेंसीज अदर देन यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज हैं, तो वो हम इसमें देखने वाले. तो यूनिसेफ, इट इज़ अ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. सो यूनिसेफ जो है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1946 टू कंटिन्यू द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन. ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका काम कंटिन्यू रखने के लिए इसे लॉन्च किया गया था, टू प्रोवाइड रिहैबिलिटेशन ऑफ दोज चिल्ड्रन ऑफ यूरोप एंड चाइना विक्टिमाइज्ड बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो यूरोप और चाइना के जो चिल्ड्रन हैं जो विक्टिमाइज्ड हुए थे, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए यूनिसेफ को ऑर्गेनाइज किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था. So the there are 9 regional offices of UNICEF, out of which the UNICEF का एक regional office New Delhi में भी है. इसके अलग अलग regions है WHO की तरह, जो उसके अलग अलग offices है. तो East and Central Asia जो region है उसका UNICEF का office New Delhi में है. तो साउथ सेंट्रल एशिया रीजन, साउथ ईस्ट, इट इज़ ईस्ट सेंट्रल एशिया, सॉरी नो, साउथ सेंट्रल एशिया रीजन जो है, नॉट ईस्ट, उसका ऑफिस न्यू दिल्ली में है. और यूनिसेफ जो, इट इज़ गवर्न बाय 36 नेशंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड एज इन 2010. तो 36 नेशंस के साथ ये बनी हुई है. तो यूनाइटेड नेशंस का जो हेड क्वार्टर है, दैट इज़ सिचुएटेड इन न्यू यॉर्क, नॉट न्यू दिल्ली, इट इज़ न्यू यॉर्क. सो प्लीज़ करेक्ट दिस. सो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. यूनिसेफ वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद WHO. और इसके अगर सर्विसेज या फंक्शंस की बात करें, सो इन द बिगिनिंग यूनिसेफ वर्क इन कोलैबोरेशन विद WHO and assisted in the prevention and control of communicable diseases like malaria, tuberculosis, leprosy, etc. Then it shifted to the primary health care with focus on maternal and child health care services. So jo UNICEF hai, it has four areas of special emphasis, that are child health, childbirth, child health, child nutrition, family and child welfare, and चाइल्ड एजुकेशन, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. सो ये उसके चार स्पेशलाइजेशन के एरिया है काम करने के. सो विल सी दैट वन बाय वन. सो चाइल्ड हेल्थ का जो एरिया है, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड हेल्थ इट इज़ एक्चुअली, सो यूनिसेफ प्रोवाइड्स सब्सटेंशियल एड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स एंड सेरा इन मेनी कंट्रीज. सो काफ़ी सारे वैक्सीन्स, BCG इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो इंडिया में चलता है, इट इज़ सपोर्टेड बाय यूनिसेफ. और उस तरह के अलग अलग वैक्सीन प्रोडक्शन में और एंटीसेरा प्रोडक्शन में भी यूनिसेफ जो है वो एड प्रोवाइड करता है. इट टू कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन द प्रोविजन ऑफ सेफ एंड सफिशिएंट वाटर एंड सैनिटेशन आल्सो इन रूरल एरियाज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. दैट इज़ आल्सो अ फंक्शन रिगार्डिंग चाइल्ड हेल्थ. तो सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी यूनिसेफ एड प्रोवाइड करता है. एंड इट हैज़ आल्सो प्रोवाइडेड सफिशिएंट इनपुट्स फॉर कैरिंग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स. देन चाइल्ड न्यूट्रिशन, यूनिसेफ गिव्स हाई प्रायोरिटी टू इम्प्रूविंग चाइल्ड न्यूट्रिशन विद द डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट प्रोटीन रिच फूड मिक्सचर्स. तो प्रोटीन रिच फूड प्रोवाइड करके यूनिसेफ जो है चाइल्ड न्यूट्रिशन में ज़्यादा इम्फेसिस देती है, ज़्यादा प्रायोरिटी उसे देती है.
UNICEF also help the applied nutrition program in the form of supplementing the child feeding with low cost protein rich food. Applied nutrition program जो है उसमें भी UNICEF ने help provide की है. It has supplied equipments for dairy plants, aid for control of deficiency diseases like provision of vitamin A solution, iodized salt, iron folic acid tablets. तो इन सब में भी यूनिसेफ जो है न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग हेल्प प्रोवाइड करती है. डिफिशेंसी डिसीजेज में विटामिन ए का प्रोडक्ट प्रोविज़न हो, आयरन, फोलिक एसिड, आयोडीन सप्लीमेंट्स, तो इन सब चीज़ों में यूनिसेफ की हेल्प हमेशा रहती है. देन फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर. UNICEF has taken measures to improve the care of children both within and outside their homes through means of daycare centers, child welfare and youth agencies and women's club. So इस तरह से family welfare में UNICEF की help रही है. Then child education, formal and non-formal education भी provide करती है UNICEF. Assistance for basic primary education and parent education. UNICEF is currently promoting a campaign known as Gobi to encourage for the strategies of child health revolution. तो Gobi नाम का एक प्रोजेक्ट है child health revolution के लिए, उसमें उसे प्रमोट करने का काम UNICEF कर रही है. तो ये Gobi क्या है इसके बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. So the G stands for the growth chart to better monitoring child development. तो growth monitoring के संदर्भ में G है. O stands for oral rehydration therapy. B stands for breastfeeding. I stand for immunization. F, then this Gobi is completed. But their family planning, family literacy and ferrous iron folic acid supplementation भी इस प्रोग्राम के अंडर आते हैं. तो इस प्रोग्राम को Gobi ट्रिपल एफ भी कहा जाता है, GOBI ट्रिपल एफ, ऐसे नाम से भी इसे पहचाना जाता है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट UNICEF ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके बारे में याद रखने वाली चीज़ें है कि UNICEF की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो 1946 में हुई. इसका हेड ऑफिस जो है वो साउथ सेंट्रल रीजन जो एशिया रीजन है उसका ऑफिस न्यू दिल्ली में है. WHO के कोलैबोरेशन के साथ UNICEF काम करती है. इसके कई सारे रीजनल ऑफिसेस है, कई सारे रीजन्स है, उसमें से एक रीजन का ऑफिस न्यू दिल्ली में है. हेड क्वार्टर्स जो है UNICEF का वो न्यूयॉर्क में है. और फंक्शंस की बात करें तो चार स्पेसिफिक फंक्शंस UNICEF के है, चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड न्यूट्रिशन, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर और चाइल्ड एजुकेशन. ये चार एरियाज़ में UNICEF काम करती है. और उसमें भी चाइल्ड हेल्थ के बारे में अगर पूछा जाए तो चाइल्ड हेल्थ के रिगार्डिंग वैक्सीन्स प्रोडक्शन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना, बेसिक हेल्थ सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये UNICEF का काम है. न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग अगर कहा जाए तो प्रोटीन रिच फूड प्रोवाइड करना, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है उसे हेल्प करती है. इन विच फॉर्म, बाय प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट प्रोटीन रिच फूड. तो लो कॉस्ट प्रोटीन रिच फूड प्रोवाइड करके चाइल्ड न्यूट्रिशन में हेल्प करती है. विटामिन डिफिशेंसी डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए विटामिन ए सॉल्यूशन का प्रोविज़न, आयोडाइज सॉल्ट, आयरन, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ये सब काम न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग UNICEF प्रोवाइड करती है. फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर में जो चाइल्ड डे केयर सेंटर्स होते हैं, चाइल्ड वेलफेयर, यूथ एजेंसीज, वुमेंस क्लब, इसके फॉर्म्स में हेल्प करती है. एजुकेशन, फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन पर ज़्यादा एम्फोसिस है. प्राइमरी एजुकेशन जो है चिल्ड्रन का, चाइल्ड का वो
होना चाहिए, इस पर फोकस किया जाता है। और जो गोबी कैंपेन है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या फुल फॉर्म है, वो यूनिसेफ के बारे में पता होना चाहिए। ग्रोथ फॉर जी फॉर ग्रोथ, ओ फॉर ओरल रिहाइड्रेशन, बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एंड आई फॉर इम्यूनाइजेशन, एंड देर आर ऑल्सो 3 F's इंक्लूडेड इन दिस जी गोबी, दैट इज F1 F फॉर फैमिली प्लानिंग, सेकेंड F फॉर फीमेल लिटरेसी, एंड थर्ड F फॉर फेरस और फोलिक एसिड आयरन सप्लीमेंटेशन। तो इस तरह से यूनिसेफ के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये आंसर्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की है, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1966 में। इसके जो ऑब्जेक्टिव है, जो पुअर नेशंस है वर्ल्ड में, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड होता है, तो पुअर नेशंस के को टू स्ट्रेंथन द ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पुअर कंट्रीज, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर डेवलपमेंट। तो कौन कौन से एरियाज़ में काम करती है, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, साइंस, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर, इन एरियाज़ में ये काम करती है। जनरली UNDP अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज हैं, उनके कोलेबोरेशन में काम करती है, रिसर्च एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करने का काम UNDP करती है। सो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तभी इसका भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इट एम्स टू एलिवेट द ग्लोबल माल न्यूट्रिशन एंड हंगर। तो इसका भी एम वही है। तो चीफ एम्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस आर टू हेल्प नेशंस रेज लिविंग स्टैंडर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड प्रोडक्शन बाय इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री। इस तरह से इम्प्रूव करके उस नेशन का लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन ऑफ पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज। और इट कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फैमिली फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज, देन टू मेक द बेटर कंडीशन ऑफ रूरल पीपल, एंड थ्रू ऑल दीज मीन्स टू वाइडन द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल पीपल फॉर प्रोडक्टिव वर्क, जैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस लोगों का बढ़ाकर एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोवाइड करना, ये एक मेन काम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक कैंपेन ऑर्गेनाइज किया है, दैट इज़ फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन इन 1960। एक इन्होंने कैंपेन चलाया था। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंपेन इज़ टू कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। सो दिस इज़ अबाउट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वन मोर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज़ देयर, which was established in 1919 with headquarters in Geneva, Switzerland. It is an affiliated of League of Nations to improve the working and living conditions of working population all over the world. So iske jo functions hai, that is to promote the health and safety of working population, improve the living standard of workers, to promote their economic and social stability. International Labour Organization has developed an international labour code which lays down minimum desirable standards for health, welfare, safety of the workers throughout the world. So this organization has developed some international labour code for the health and welfare of the labourers of all over the world. So it focuses on safety of the workers, they are improving their living standards. So this is about the International Labour Organization. Now we'll move towards the World Bank. Everyone must know about this World Bank, which provides the loan facilities for countries all over the world. So World Bank is a specialized agency of United Nations. So you should know here. सो वर्ल्ड बैंक इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है।
इसका पर्पस जो है टू हेल्प द लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स। 1944 में वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश हुई थी लोगों का हेल्थ स्टैंडर्ड रेज करने के लिए पुअरली डेवलप्ड कंट्रीज़ का। सो ये क्या करती है, बैंक गिव्स लोन्स फॉर द प्रोजेक्ट्स दैट विल लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम वर्ल्ड बैंक करती हैं। कौन से फील्ड्स में, तो जनरली इलेक्ट्रिक पावर, रोड्स, रेलवेज, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग। तो इन एरियाज़ में डेवलपमेंट करने के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम इंटरनेशनल बैंक करती है, वर्ल्ड बैंक करती है। वर्ल्ड बैंक इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंस इन होल वर्ल्ड, फोकसिंग द पुअरेस्ट पीपल इन द पुअरेस्ट कंट्रीज। सो इट इज़ ओन्ड बाय 183 मेंबर कंट्रीज, प्रोवाइड्स नियरली 16 बिलियन US डॉलर्स एवरी ईयर इन लोन्स टू इट्स क्लाइंट कंट्रीज। 16 बिलियन का US डॉलर्स का लोन ये पर ईयर प्रोवाइड करती है। करंटली इन इंडिया द वर्ल्ड बैंक इज सपोर्टिंग नेशनल प्रोग्राम्स फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड RNTCP, जो ट्यूबरक्यूलोसिस वाला प्रोग्राम है। इन प्रोग्राम्स को हेल्प प्रोवाइड करने का काम वर्ल्ड बैंक करती है। सो हियर वी हैव फिनिश्ड द यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज। अभी तक जो हमने देखी वो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बायलेटरल हेल्थ एजेंसीज, जो यूनाइटेड नेशंस के अलावा जो हेल्थ एजेंसीज है उनको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिस पर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज़ यूनिसेफ। यूनिसेफ के बाद UNDP, जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पुअर कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए हेल्प करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हमने देखी, एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड या प्रोडक्शन कंट्रीज़ का बढ़ाने के लिए ये 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसने एक हंगर कैंपेन भी चलाया था 1960 में। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं ये आपको इसमें ध्यान रखनी चाहिए। जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो 1919 और इसका जो काम है, तो दुनिया भर के जो लेबर्स हैं उनके हेल्थ और वेलफेयर के लिए, उनके राइट्स के लिए काम करने का और कोड डिज़ाइन करने का काम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करती आई है। देन वर्ल्ड बैंक, जो पूरी दुनिया के कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करने का काम करती है, दैट इज़ वर्ल्ड बैंक। ये भी यूनाइटेड नेशंस की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरी दुनिया के जो पुअर कंट्रीज़ है उनको लोन प्रोवाइड करती है फॉर देयर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक्स, रोड, रेलवेज, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग। और इंडिया में ये नेशनल जो से RNTCP प्रोग्राम है, ब्लाइंडनेस प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम्स में भी एड प्रोवाइड करती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हो गई इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज़। तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बायलैटरल हेल्थ एजेंसीज़। सो दिस यू शुड गो टू थ्रू दिस PDF। WHO के बारे में जनरली क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, तो उसके बारे में उसे भी पढ़ लीजिए, रिवाइज कीजिए। और हेल्थ एजेंसीज भी पूछी जाती है तो उसे भी आपको रिवाइज करना है। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम बायलैटरल एजेंसीज देखेंगे, तो उसे भी आपको पढ़ लेना है।